बस एक टीका, वो भी दर्द रहित, दो जानलेवा बीमारियों से आपके बच्चे को बचाव देगा। लेकिन कैसे, देखिए रिवर दर्शन की इस खास रिपोर्ट में। 9 माह से 15 साल के आयु वर्ग के बीच के सभी बच्चों को दो जानलेवा बीमारियों से बचाव की कार्य योजना पूरे प्रदेश के साथ रीवा में भी तैयार कर ली गई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं खसरा रुबेला जैसी बीमारियों की। एक्सपर्ट डॉक्टर कहते हैं ना दर्द ना टेंशन, सिरिंज की डिजाइन इस तरह जिसे लाख चाहने के बाद भी दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इंजेक्शन केवल एक्सपर्ट लगाएंगे, इसका मतलब एकदम सुरक्षित। बच्चों को केवल इतना करना है वो खाली पेट ना रहे। एक्सपर्ट कहते हैं 9 माह से 15 साल के बीच के सभी बच्चों को लगाना है, इसलिए सभी स्कूलों आंगनबाड़ी केंद्रों मदरसों पर उनकी नजर है। दुनिया भर के 142 देशों में इसका सफलतापूर्वक प्रयोग हो रहा है, इसका मतलब यह पूर्णतया सुरक्षित। रीवा दर्शन भी उन तमाम अभिभावकों से गुजारिश करता है अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही बगैर किसी डर संकोच के टीकाकरण अभियान में अपनी भागीदारी निभाएं और देश को खसरा रुबेला मुक्त बनाएं। इस बारे में रीवा दर्शन ने इस अभियान से जुड़े महत्वपूर्ण लोगों से बात की। आइए सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। ठीक है, भरने के बाद मैंने इससे इसको लगा दिया। ठीक है, अब दोबारा यदि मैं इसको उपयोग करना चाहूँगा तो फिर भरना पड़ेगा, है ना? तो आप भर के देखें, कोई भी कोशिश करें। स्वास्थ्य विभाग एक ऐसा काम करने जा रहा है जिससे 9 माह के बच्चे से लेकर 15 माह के बच्चों को 15 साल के बच्चों तक दो जानलेवा बीमारियों से बचाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे साथ स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम, पूरे जिम्मेदार लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे खसरा और रुबेला का कब से टीकाकरण होगा और किस तरीके से ये अभियान निरंतर आगे बढ़ेगा। ये किस तरीके से, इसकी कार्ययोजना क्या है आपकी? इसकी कार्ययोजना है, इसको 15 जनवरी से शुरू किया जाएगा और ये 1 माह तक चलेगा। यदि कुछ बच्चे छूट जाते हैं तो उसके बाद कुछ दिनों तक और उसको चल के पूरे बच्चों को टीकाकृत किया जाएगा। ये यहाँ सभी सरकारी स्कूलों में, सभी प्राइवेट स्कूलों में जहाँ भी बच्चे पढ़ रहे हैं, 9 महीने से लेकर के 15 साल तक के बच्चे जहाँ भी हैं, केवल स्कूलों में, आंगनबाड़ी केंद्रों में, स्वास्थ्य केंद्रों में लगाया जाएगा। इसको किसी तरह घर घर जा कर के नहीं लगाया जाएगा। जैसा कि डॉक्टर साहब, ये माना जाता है कि टीका सुई किसी को भी तकलीफ देती, नुकसानदेह है, तो इसके क्या दुष्परिणाम होंगे ये बताएं। ये जो हमारा मेजर्स और रुबेला का वैक्सीन है, ये WHO प्री क्वालिफाई वैक्सीन है। ये अभी तक हमारे पूरे हिंदुस्तान में 22 करोड़ बच्चों को लगाई जा चुकी है, किसी को कोई तरह का नुकसान नहीं हो सकता। ये मैं अभिभावकों को ये कहना चाहता हूँ कि ये वैक्सीन यदि पहले भी लगाई जा चुकी है, किसी को भी टीका लगा है, तो इस अभियान के दौरान जरूर इसको टीका लगवाएं। ये खसरा और रुबेला क्या है ये हमारे दर्शकों को, पूरे रीवा शहर को जरा विस्तार से बताएं। खसरा और रुबेला सर्दी खांसी जुकाम जैसी वायरस से होने वाली बीमारी है, जिसकी वजह से जो बच्चों में काफ़ी कमजोरी आ जाती है मीजल्स के कारण, और वो कुपोषण में चला जाता है और बाद में उसके जो साइड इफेक्ट होते हैं निमोनिया और डायरिया और दूसरी बीमारियों से बच्चे की जान जा सकती है। इस तरह करीब 50,000 बच्चे हर साल देश में इनकी मृत्यु होती है। और रुबेला बीमारी जो है वो भी इसी की तरह एक 1.5 दिन की माता इसको कहते हैं, और इसमें भी सर्दी जुकाम खांसी के बाद से करते आते हैं, और ये कब बीमारी आती कब चली जाती पता नहीं चलता, लेकिन मुख्य रूप से जो गर्भवती माता है प्रथम 3 माह के उन पर ज़्यादा प्रभावी है ये, और उसकी वजह से बच्चे में जो है कैटरेट की बीमारी या बहरापन हो जाना और उनका मस्तिष्क छोटा रह जाना और मानसिक मंदता और क्या कहते हैं दिल की बीमारी, ये सब चीज़ें हो सकती है। इसे बचाने के लिए ये टीका लगाना बहुत ही ज़रूरी है, और यही इसका उद्देश्य है, जो कि अपने देश में करीब 45 करोड़ लोग को बच्चों को लगना है, जिसमें 20 करोड़ लोग को लग चुका है, और ये हमारा 143वां देश है जिसमें ये प्रोग्राम चल रहा है, और ये WHO से अप्रूव है, वहाँ का मॉनिटर आके इसकी वो भी करेंगे, और इस तरह से उनको बच्चों को जो मातृ मृत्यु, जो बच्चों की मृत्यु है उससे काफ़ी कमी लाने का इसमें अभियान। डॉक्टर साहब, ये अभियान आप 15 तारीख से चलाने जा रहे हैं, इसको किस तरीके से चलाएंगे, जैसे बच्चों की कुछ छुट्टियां भी होने वाली हैं, और इसमें क्या क्या और चीज़ें हो सकती हैं विस्तार से आप बताएं। देखिए, ये अभियान जो है 15 जनवरी से हम शुरू करेंगे, और प्राथमिक तौर पर जितने भी हमारे स्कूल हैं उन स्कूलों में पहले ये अभियान चलाया जाएगा, और कक्षा 10 तक के जितने भी विद्यार्थी हैं
छोटी से छोटी कक्षा से लगा के कक्षा 10 तक के जितने विद्यार्थी हैं उन सबको ये लगाया जाएगा। स्कूल वार हमारी कार्ययोजना रहेगी, एक दिन एक स्कूल एक परिसर, ये हमारा प्लान है। और अभियान का जो संचालन है बहुत ही प्रभावकारी तरीके से किया जाएगा। सर्वाधिक सुरक्षित टीका है, सर्वाधिक प्रशिक्षित हमारे स्वास्थ्यकर्मी हैं और सर्वाधिक प्रभावकारी ये टीका है। और बहुत ही सघन और कठोर मॉनिटरिंग के बीच में वो कार्य करेंगे। हर स्कूल में जहाँ भी हमारी टीम जाएगी वहाँ हमारे सुपरवाइजर्स जाएंगे, डॉक्टर्स की टीम रहेगी जो हर चीज़ पर निगरानी रखेगी कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, कहीं कोई गलती तो नहीं कर रहा है, और वहाँ पर ये टीका लगेगा। अभिभावकों से मेरा ये अनुरोध है कि अभी जैसे पिछले कई दिनों से देख रहा हूँ मैं, प्रतिदिन कम से कम मेरे पास 20 से 25 फ़ोन आ रहे हैं कि सर पहले बच्चों को ये टीका लगाए तो लगवाएं कि न लगवाएं, हम स्कूल में नहीं लगवाएंगे, हम अस्पताल में नहीं लगवाएंगे, भीड़ में नहीं लगवाएंगे। तो उन सबसे मेरा अनुरोध ये है कि ये टीका बहुत ही प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मी जिनको इस टीके के बारे में विशेष ट्रेनिंग दी गई है कि इसको कैसे लगाना है, एक ही बार में एक ही सिरिंज से एक ही बच्चे को लगाना है, सुरक्षित रूप से लगाना है, दर्द रहित तरीके से लगाना है और उसको कोई दिक्कत ना हो, इस प्रकार से लगाना है, तो वो लोग इस अवसर का उपयोग करें। प्राइवेट में ये टीका कहीं पर भी उपलब्ध नहीं होगा, तो विद्यालय में, आंगनवाड़ी में या स्वास्थ्य केंद्र में ही ये टीका लगेगा। दूसरा, जो अभिभावकों के मन में ये डर रहता है, जैसे हर टीके का रहता है, किसी से भी हम कहें कि इंजेक्शन लगाओ तो सबसे पहले वो डरता है दर्द से, तो उनको मैं आश्वस्त करना चाहूँगा कि यह टीका एकदम दर्द रहित है, सुरक्षित है और प्रभावकारी है, और ये दो जानलेवा बीमारियों से उसकी सुरक्षा करेगा। कई अभिभावकों के मन में ये सवाल है कि परीक्षा आने वाली है और टीका हमने लगवा लिया, बच्चे को कुछ हो गया तो जी यही सवाल, तो उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि इससे बच्चे को कुछ नहीं होगा, जो होना है वो उसकी सुरक्षा होगी। मान लीजिए कि परीक्षा के बीच में उसको खसरा हो गया या रुबेला हो गया और उसका पेपर छूट गया, तो ये टीका लगवा के तो हम उसको बचा रहे हैं ना। तो अभी यदि वो ये टीका लगवा लेता है तो उस समय खसरा और रुबेला से बचा रहेगा, तो पढ़ेगा भी अच्छा और परीक्षा भी अच्छे से देगा। हमने तमाम एक्सपर्ट से बात की, सबका साफ तौर से कहना था ये दो इंजेक्शन जानलेवा बीमारी उसे बचाव करेगा, दर्द रहित है, इस इंजेक्शन का दोबारा इस्तेमाल नहीं हो सकता। तमाम तरीके की जितनी भी पेरेंट्स की शंकाएं थी उन सबका डॉक्टर्स ने निवारण कर दिया है। रीवा दर्शन टीम में चालू है।